एक मिनट अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी मैं वापस आप पे आऊंगा, आपका वीडियो ऑडियो कट रहा था, मैं वापस आऊंगा। ये फ्री वर्ड ठीक है क्या? ये आपका यूपी के लिए ठीक है फ्री वर्ड? जब आप 2 करोड़ की जनसंख्या दिल्ली की नहीं संभाल पाए कोरोना टाइम पे, अब 24 करोड़ कैसे संभालोगे? देखिए ये बहुत गंभीर बात है कि आप कह रहे हैं कि हमसे दिल्ली नहीं संभाली गई। अगर हम रोज केजरीवाल साहब सुबह टीवी पे आ जाते थे, वो रोज टीवी पे आके बोलते थे कि मैं ये करना चाह रहा हूँ पर सेंट्रल मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। आप पहले बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं अब जवाब दे रहा हूँ आपको। आप एक सवाल करिए एक वक्त में, उसका जवाब दूंगा मैं आपको। एक ही सवाल है मेरा, ये हाँ तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। जनता को अगर कोई परेशानी हो रही है केंद्र की वजह से, तो जनता को ये जानना पड़ेगा कि उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और अगर केंद्र की अहंकारी सरकार एक राज्य सरकार की बात नहीं सुन रही है, उसके लोगों को मरने के लिए छोड़ रही है, तो हमारा नेता अपने जनता के सुख के लिए इतना प्रतिबद्ध है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है अपनी जनता के लिए। और हाँ, हमारा नेता आकर बोलता था कि हमारी केंद्र की सरकार दिल्ली के नागरिकों को मरने के लिए छोड़ रही है, पहली बार। दूसरी बात, आपका पिछला जवाब किसी कारणवश रुक गया। देखिए, अगर किसी एक विधायक सांसद को 4000 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, तो अगर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आम जनता को भी 300 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए, तो ये उनकी प्रतिबद्धता है जनता के लिए, जो पिछली सरकारों को भी प्रतिबद्ध होना चाहिए था जनता के लिए। सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि आप अपने लिए 200 करोड़ का प्राइवेट जेट ले लीजिए और जनता के लिए आप परेशान करें। मेरा जो नेता है अरविंद केजरीवाल, वो 150 करोड़ इस्तेमाल करता है और जनता के लिए पूरा ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर देता है, ना कि अपने लिए 200 करोड़ का एरोप्लेन लेता है गुजरात के विजय रूपाणी जी की तरह। तो हम जनता के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी राजनीति व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति। अच्छा, केजरीवाल साहब जो बयान देते हैं उसमें दूसरे दिन तक नहीं टिकते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा आप एक बात बताइए, राजनीति में केजरीवाल जी ने जब भी जो बयान दिया है वो जनता से जुड़ा हुआ दिया है और जनता से जुड़े हुए बयान ही देते हैं। चलिए मैं आपको एक बयान दिखा दूं। पहले मैं आपको कुछ सालों के बयान दिखाता हूं, केजरीवाल साहब का एक बयान दिखाइए, जरा बदलते हुए बयानों को दिखाइए। 2014, 2015, 2016, 2019 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा, मेरा वादा है। लेकिन 5 साल लगेंगे। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा। दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। दिल्ली की हर टूटी के अंदर जो पानी आएगा वो पीने का होगा, सीधा दिल्ली की जल बोर्ड की टूटी से आप पानी पी सकते हैं, आपके आरओ से ज़्यादा अच्छा पानी जल बोर्ड का पानी मिला करेगा। हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के तो हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में। इसमें बयानबाजी। अच्छा, मैं पाँच साल कहाँ से पकड़ूं, बताइए। 2014 से 2000 कहाँ से पकड़ूं मैं 5 साल? मुझे वो 5 साल बता दीजिए कहाँ से पकड़ने हैं। आप कहीं से भी पकड़ लीजिए, जनता के घर घर तक आज अगर दिल्ली में पानी नहीं पहुंच रहा है तो आप टिप्पणी करिए। हमारा इकलौता नेता है जो बोलता है वो करके दिखाता है। अच्छा, जो बोलता है वो करके दिखाता है, एकदम सही बात है। बिल्कुल। और आज दिल्ली में हर व्यक्ति को घर पे साफ पानी मिल रहा है। सबको तरह नहीं कि गंगा की सफाई के बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि अगर गंगा की सफाई नहीं हुई तो समाधि ले लेंगे, जल समाधि ले लेंगे, और आज भी उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। हमारे नेता ने अगर साफ पानी घर घर पहुंचाने की बात की है, उस पर वो प्रतिबद्ध रहे और उन्होंने घर घर तक साफ पानी पहुँचाया है। अश्विनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अश्विनी जी बताए। वही देश का नेता है जो कहता है वही करता है। सरकारी मकान नहीं लूंगा, ले लिया। सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, ले लिया। सुरक्षा नहीं लूंगा, ले लिया। 15 लाख कैमरे लगाऊंगा, नहीं लगे। बसों में मार्शल लगाऊंगा, नहीं लगे।
पानी नहीं पहुंचा, तो ये सब इन्होंने कहा था वो किया है, यही यही एकदम कहा था वो किया है, मान गए जी, मान गए हम लोग। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था, अरे अभी हमारे कांग्रेस के भूदेव जी कह रहे थे महंगाई पर कुछ बात कर रहे थे, आपके जो भगोड़े हैं वो वापस लौट आए 2009, 10, 11, 4 से लेकर 14 तक सरकार रही। हेल्दी डिबेट चाहिए। मुझे एक मिनट का समय दिया जाए, हेल्दी डिबेट चाहिए, शब्द सही होने चाहिए, हेल्दी डिबेट चाहिए। अमित शाह जी ने दिल्ली में आकर लगाए थे, पर अमित शाह जी के पूरे दिन का वीडियो जब केजरीवाल जी की टीम ने शाम को उन्हीं को दिखाया, उन्होंने बोला कि पूरी दिल्ली में कैमरे नहीं लगे हैं, और उसी दिन शाम को एक वीडियो दिखाया जिसमें उनके पूरे दिन का कार्य दिखा दिया, तब उनको उनकी ही मुंह की खानी पड़े। ये है हमारा कार्य, अगर हमने बोला महिला सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, पूरी दिल्ली में कैमरे लगा रहे हैं, तो उसका जवाब हम नहीं देते हैं। आज दिल्ली विश्व में उन सिटियों में आती है जिनपे कैमरे सबसे ज्यादा लगे हैं। आज हमने अगर मार्शल तैनाती की बात बोली बस में तो हमने दिए, अगर हमने महिला यात्रा के लिए फ्री यात्राएं बोली तो हमने दिए। हम जो बात बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। कहाँ गए इनके 15 लाख? भ्रष्टाचार कहाँ मिटा? आ गया काला धन वापस? कितने ही माफियाओं को इन्होंने जेल के अंदर डाल दिया, और जो दूरबीन लगाकर इनको माफिया ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे बोलिए वो माफिया इनके बगल में बैठा है। अच्छा चलिए, घरों में पनप रहा है वो माफिया। सपा से सपा मनोज यादव जी की बात से सहमत है क्या? नहीं, मैं सहमत, असहमति तो बिल्कुल अलग बात है, लेकिन ये उल्टी गंगा बह रही डिबेट में, और मैं इस पे आपत्ति और विरोध भी दर्ज करा रहा हूँ।